अगर कोई हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आवाज उठाए भी तो मुझे उसमें कोई परेशानी है नहीं, खास तौर से जब आप खुद मुस्लिम हो और एक इस्लामिक मुल्क होने के नाते एक उम्मत का कॉन्सेप्ट भी होता है, अपनी कौम के लिए फिक्रमंदी भी होती है, तो वो तो बातें समझ में आती है। जम्मू कश्मीर पीपल नेशनल अलायंस ने एक खत लिखा है पाकिस्तान की हुकूमत को उइगर मुस्लिम्स के हवाले से, तो देखते हैं साहब उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे नहीं लगता कि उस खत का वो कोई जवाब भी देंगे। नहीं, ये आपने कहाँ से लिया है खत सर? ये बिल्कुल जाली खत है, फेक है, और उस पे अलायंस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है कि ये फेक खत है। आप उस खत को देखें, उसकी लैंग्वेज देखें, उस पे जो सिग्नेचर है वो जो PNA का चेयरमैन है उसके इस तरह सिग्नेचर नहीं है, और वो रावला कोर्ट से इशू हुआ है, वो मीरपुर में होता है। ये सारा फ्रॉड है, और ये जैसे आजकल फेक न्यूज चलाई जाती है ये उनमें से एक है। और ओके तीसरी बात बिल्कुल ये के PNA की, जहां तक मैं समझ जानता हूं, उनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, और ना वो इस पे बिलीव करते हैं कि चाइना वहां पे मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरह का काम कर रहा है। वी डोंट बिलीव, जो आजाद कश्मीर के प्रोग्रेसिव लोग हैं उनकी ये राय नहीं है कि चाइना वहां पे मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती कर रहा है। जहां तक री एजुकेशन का ताल्लुक है, वो एक पुराना जो है चाइना का चेयरमैन माओ के जमाने से भी पहले से लेके, बल्कि उस जमाने से लेके तो एक सिस्टम है जिसमें कि एक रेवोल्यूशनरी जो पार्टीज होती हैं नजरियाती बुनियाद पे, उनके अपने इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। अब उसको आप सपोर्ट करें या ना करें वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन इसको मुसलमान और चाइनीज का मसला बनाने वाले लोग जो है ना, उसको हम बाय नहीं करते। यही बात आज जो है, कल जो इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने बयान दिया था कि जी कश्मीर में लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, तो हम जो है उनको डी रेडिकलाइज करने के लिए हमारे पास ऐसी जगह है, और कैंप, उनके कहने का मतलब गालिबन ये था कि हमारे पास ऐसे कैंप मौजूद हैं जहां पे उनको भेजा जाएगा। मैंने आज इस पे एक ट्वीट जारी किया था, आपने गालिबन पढ़ा होगा, जिसमें मैंने ये कहा था कि कश्मीर में या इंडिया में या पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन हो रही है। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट या जो जहादिस्ट क्लैरिक्स हैं वो बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, दैट इज ए फैक्ट। लेकिन उनको डी रेडिकलाइज करने का ये तरीका नहीं है कि हम उनको कोई सीक्रेट कैंपों में मुंतकिल कर लें वो गिस्टापो के जमाने की तरह, बल्कि उसका तरीका ये है कि हम ओपन स्कूलिंग जो है, हमें इतनी जुर्रत और इतनी उसूल परस्ती होनी चाहिए कि हम अपने जो सरकारी स्कूल हैं उनमें ओपनली डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करें, अपने स्टेट मीडिया पे डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करें, और ओपनली बच्चों को पढ़ाएं कि ये रेडिकलिज्म है और ये डी रेडिकलाइजेशन है, ये इस्लामिज्म है और ये जो है वो दुरुस्त रास्ता है। तो उस ये तरीके से किसी को एतराज नहीं होगा। यही बात चीन में भी है। आई डोंट बाई के चीन अगर डी रेडिकलाइजेशन कर रहा है, हालांकि आई एम अगेंस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और उसकी कोई भी फॉर्म हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको आप लोगों की जो फ्रीडम और सिविल लिबर्टीज हैं उसकी रिस्पेक्ट भी साथ में होनी चाहिए, कि जी उनको आप जबरदस्ती जानवरों की तरह पकड़ के तो किसी सीक्रेट कैंप में ले जाके तो उनको कहें कि हम आपको जिंदा रहने का तरीका सिखाते हैं, तो दैट इज नॉट अप्रिशिएटेबल। लेकिन इसका PNA के उस खत का वो जाली है, वो तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वो खत जाली है। चलें, आपने बता दिया, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। आर्मी इंडियन आर्मी चीफ का जो बयान है उसी की रोशनी में थोड़ी सी बात आगे करते हैं। मैं समझता हूँ साहब, इस किस्म के कोई बयान देने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए कि सबसे पहला काम तो ये करें कि हम अपने करिकुलम के अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आएं। एक अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो सकती है भारत में, तो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की बात क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं कहते कि आज के बाद में कोई बड़े बिजनेसमैन का बच्चा हो, कोई पॉलिटिशियन का हो, ब्यूरोक्रेट का हो, किसी फिल्म स्टार का हो, या कोई गांव का बच्चा है, सारे एक ही स्कूलों में पढ़ेंगे, ये उसके ऊपर भी बात नहीं करते। ये मेरा शिकवा है हिंदुस्तान की हुकूमत से और वहां की आवाम से भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर तो आप बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं, कोई एजुकेशन सिस्टम पर भी लेकर आओ। जब यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा बशानी साहब, तो बहुत सी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं? मैं पहली बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये इस जो सिविल है इस पे क्यों कर रहे हैं, और जो एजुकेशन सिस्टम दूसरा है उसमें क्यों नहीं कर रहे, तो उसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक क्लासेस हैं उनका और रिलीजन वर्सेस रिलीजन का। जहाँ पे बात रिलीजन की आ रही है तो वहाँ पे उनको ये चूंकि इसमें फायदा नजर आ रहा है कि इस तरह की बात करने से
एक वोट बैंक बढ़ता है या एक तरह का उनकी हमायत में इजाफा होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर वो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो अमीर और गरीब के दरमियान बहुत बढ़ता हुआ गैप है उस पर उनको बात करनी पड़ेगी, और उनको फिर ये कहना पड़ेगा कि रियासत का ये काम नहीं कि वो ऐसी सिचुएशन में तमाशमीन बन जाए कि एक तरफ तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कूल खड़े करें, उनको बच्चों को पढ़ाएं, बिल्कुल अलग किस्म की तालीम दें, और दूसरी तरफ जो है वो बच्चे जो हैं वो टाट वाले स्कूलों पे और बोरियों वाले स्कूलों पे और गोस्ट स्कूल जो एग्जिस्ट नहीं करते उनमें भी पढ़ते रहें। तो वो तो फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट ही कर सकती है जो सोसाइटी में इक्वालिटी जो है ना, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बिलीव करती है। एक सवाल इसका ये हो गया। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि ये इनको करना पड़ेगा अल्टीमेटली। देखें इंग्लैंड जैसे मुल्क में जो वहां पे एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसी तरह का एक क्लास बेस्ड है, और आपको पता है उनके जो आला तरीन तालीमी इदारे हैं उनमें जो लोग जाते हैं 80% वो उन स्कूलों से आते हैं जो बहुत महंगे हाई स्कूल हैं प्राइवेट, और उन हाई स्कूलों में वो ज्यादा से ज्यादा 10-12% की पॉपुलेशन भी अफोर्ड नहीं करती कि वो उनको भेजे, जिसका मतलब है लेस देन 10% पॉपुलेशन वाले लोग इसमें होते हैं। तो वो फिर उन स्कूलों से निकल के ऑक्सफोर्ड में चले गए, वहां से निकल के तो फिर गवर्नमेंट में भी यही बात है। हालांकि इंग्लैंड जो है उसको एक मतलब है बहुत हवाले से एक ऐसा मुल्क समझा जाता है जिसमें किसी हद तक सोसाइटी में इक्वालिटी है या एक सेहतमंदाना किस्म का वो है, तो उसको उन्होंने बैलेंस किया ना दूसरे तरीके से कि उसको फिर उन्होंने अवाम पे टैक्स लगाए। एक जो गरीबों का स्कूल है उसमें भी टाट नहीं पड़े हुए या उसके पीछे गंदे नाले नहीं बह रहे हैं या उसके आगे मरे हुए कुत्ते नहीं पड़े हुए हैं, वो भी एक इंसानों की तरह का स्कूल है, उसका भी जो नसाब है वो दूसरे से किसी तरीके से कम नहीं, उसके टीचर भी उसी तरह के पढ़े लिखे हैं, तो उसके बाद एक जाके अपने बच्चे को पढ़ाता है यहाँ 10,000 पाउंड जो है वो फीस है और एक वहां पढ़ाता है तो पढ़ाता रहे। क्योंकि ये कोई भी सोसाइटी में ये कोई ऐसी चीज नहीं कि हम जाके तो जो फॉर्चुनेट लोग हैं उनकी फॉर्चून के पीछे पड़ जाएं कि आपके पास ये पैसे क्यों हैं अगर जा इस तरीके से, तो जो अनफॉर्चुनेट हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये दरमियान का एक जो रास्ता होता है जिसको आप एक सोशल वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कि सोशल वेलफेयर स्टेट का काम ये होता है कि वो बीच में इंटरफेयर करती है और वो फिर कहती है कि हाँ भाई ये तालीम का मसला है। अब हिंदुस्तान में इस वक्त जो तालीम देखें, आप मुझे ये बताएं कि ये डी रेडिकलाइजेशन जिस तरह आपने कहा उसका सबसे फास्टेस्ट रूट जो है वो ये है कि एक तो आप एक ही निसाब रखें, ख्वाह कोई स्कूल अब कहीं हो लेकिन बेशक हो, एक का स्कूल में $20,000 फी है, एक में सरकारी है लेकिन निसाब एक हो एक। और दूसरा ये है कि आप पाबंदी लगाएं कि मसलन ये जो क्लैरिक हैं या मसाजिद हैं उनके अंदर बैठ के तो रेडिकलाइजेशन की इजाजत ना दी जाए। मसलन क्लैरिक को ये देखें, अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है उसमें जो खुतबा है वो एक ही खुतबा है जो लिख के दिया जाता है तमाम क्लैरिक्स को ऑल ओवर द कंट्री कि वो जुमे के रोज सिर्फ वो खुतबा पढ़ सकते हैं, दैट्स इट। अपनी तरफ से जो है वो नहीं तकरीरें कर सकते जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो इस तरह के जो उसूल बनाए जाएं जो कि जायज और जस्टिफाइएबल उसूल है, मैं ये नहीं कहता कि अननेसेसरी उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ थॉट पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन मसलन वो किसी को ये कहें कि तुम जहाद करो या एंटी डेमोक्रेटिक किस्म के सरमन दें या लोगों को ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज के खिलाफ बातें करें कि जमहूरियत अच्छी चीज नहीं है या जो है वो पर्दा न करना अच्छी चीज नहीं है, इस तरह के जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन पे इस तरह की रिएक्शनरी किस्म के दर्श दें, तो उसको रोकना रियासत का काम है। चूंकि दैट इज दी अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, उसमें कोई मजहब मजहब की बात नहीं, क्या ये रियासत का काम नहीं है कि वो अपनी बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को देखे कि उनको क्या पढ़ाया जाए और क्या ना पढ़ाया जाए। आप अगर एक बच्चे को ये पढ़ाएं किसी स्कूल में कि रात को 8 बजे के बाद अगर तुम बाहर निकलो तो तुम मर जाओगे, क्योंकि रात को फोर्सेस ऑफ इवल जो है वो सड़कों पे आ जाती हैं, ये आप पढ़ाएं बच्चे को, तो क्या रियासत ये सुने तो आपको पढ़ाने की इजाजत दे दे? अगर दे दे तो इसका मतलब है कि रियासत फेल्ड टू प्ले इट रोल एग्जैक्टली। क्लैरिक जो बच्चे को ये कहता है कि आज अगर तुम मर जाओ तो सीधे जन्नत में जाओगे और हूरें तुम्हारे इंतजार में खड़ी होंगी, तो इसकी इजाजत कैसे दे सकती है स्टेट? ये एक ही बात हुई ना दोनों में।
इसलिए मैं समझता हूं कि रियासत को ये देखना चाहिए कि बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो, और उनकी प्रोटेक्शन में एक प्रोटेक्शन ये है कि दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्लेरिक्स एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टीचर्स लाइक दैट जो उनको फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म पढ़ा रहे। प्रॉब्लम ये है सर कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत देता है तमाम जो भी रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ पर उनको कि वो अपना एजुकेशन सिस्टम चला सकते हैं, बस उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। आप अपनी खुद का एजुकेशन सिस्टम वो जैसा भी हो आप उसको, आपको फ्रीडम है उसको प्रैक्टिस करने की, और उसी का शायद ये लोग फायदा उठाते हैं। ये आज वक्त की जरूरत है, उस जमाने में जब हमारा आईन बना 1950s में, तब से लेकर आज दुनिया बहुत बदल गई है, इस बदलती हुई दुनिया के साथ। नहीं, उस आईन में सर, उसमें उस आईन में कोई गलती इसलिए नहीं है कि जो वेस्ट में बहुत सारे मुल्क हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा, इसमें भी यही है। इसमें भी आप जो स्कूल मर्जी खोलें, लेकिन अगर आपका स्कूल फेथ बेस्ड है अदर देन कैथोलिक्स तो आपको फंडिंग नहीं होगी। कैथोलिक्स की क्यों होती है कि वो हिस्टोरिकली पीछे जाता है 16वीं सदी में, कि जिस वो एक उसका हिस्टोरिकल पस मंजर है, जिस भी बुनियाद पे ये स्कूल बन गए, उनको फिर सपोर्ट हुई तो अब उसको वापस नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि वो पूरा एक ढांचा खड़ा हो गया और उस पर किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को भी एतराज नहीं है। लेकिन जो लोग फेथ बेस्ड हैं उनको फंडिंग नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मर्जी बच्चों को पढ़ाते फिरें, जैसा कि मैंने अभी मिसाल दी, ठीक है, कि आप फेथ बेस्ड हैं तो आप फेथ को, आपका जो एक्चुअल फेथ है वो पढ़ाएं। फेथ के नाम पे जो है आप ये फितना साजी जो है और ये जो है इस तरह की चीजें तो नहीं पढ़ा सकते ना, होल होल किस्म की। फेथ का मतलब क्या हुआ कि मुसलमानों में कहाँ लिखा हुआ है कि आप बच्चों को ये, चलो जहाद करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हमें इस पे एतराज नहीं, ये मान लेते हैं, कुरान में बहुत जगह पे लिखा, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप बच्चों को पढ़ाएं जहाद के बारे में? जहाद का चैप्टर जो है वो बच्चे को 18 साल से कम उम्र के बच्चे को पढ़ाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान और हदीस कहीं ये नहीं कहती कि आप जाग बच्चे को सिखाएं 18 साल से कम उम्र में। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो उनको मतलब रोका जा सकता है लीगली एथिकली। मैं नहीं कहता ये कहना है सर, जी। मेरा ये कहना है कि, और ये मेरा ही नहीं, जावेद अहमद गामदी साहब ने भी ये बात कही जिसको मैं टोटली उनके ओपिनियन को सब्सक्राइब करता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या आप किसी को ये हक देते हैं कि वो 5-6 साल के बच्चे को साइंस की, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की कोई तालीम देना शुरू कर दे? आप हक नहीं देते हैं, हर बच्चे का बुनियादी हक है कि वो 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन ले, उसके बाद में अगर वो आलिम बनना चाहता है, साइंसदान, जो मर्जी बनना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन के बाद। तो ये हो गई हमारी स्कूल की 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है, तो तब तक आपकी उम्र 18-19 साल तो हो जाती है। मैं समझता हूँ मजहब की कोई भी तालीम स्कूलों में नहीं देनी चाहिए, फिर वो कोई कोई भी किस्म का स्कूल हो, खासतौर पर एक ऐसे मुआशरे में जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा कौमों के दरमियान बाउंड्रीज खिंच गई हैं, एतमाद खत्म हो रहा है और एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, वहां पर हुकूमतों को कभी कभार ऐसे सख्त फैसले लेने चाहिए, उसकी गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन जिसमें बच्चों के इंटरेस्ट का सवाल है ना, और जहां पे बच्चों को इस्तेमाल करके तो जो क्लेरिक्स या रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो माशी फायदे उठा रहे हैं या पॉलिटिकल फायदे उठा रहे हैं, तो वहां इंटरफेयर रियासत को भी और अदालतों को भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। टर्की भी एक सेकुलर मुल्क है, क्या टर्की के अंदर मौलवी खड़ा होकर मुसल्ले पर कोई भी खुतबा दे सकता है? नहीं दे सकता साहब, वहां पर भी स्टेट खुतबा देता है और वही पढ़ सकता है। वो तो सेकुलर है बाप, सऊदी अरबिया जो मोस्ट थियोक्रेटिक मुल्क है उसमें भी मुल्ला जो है वो बगैर स्टेट की डायरेक्शन के खुतबा नहीं दे सकता, उसमें भी स्टेट तय करती है कि आज के जुमे में आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना। मेरा सिर्फ इतना कहना है बशानी साहब कि आप जब सड़क पर निकलें तो वो जो बच्चा किसी इलीट स्कूल से आया है या कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर आया है, उनके दरमियान फर्क पता नहीं चलना चाहिए। हमारे यहाँ सोसाइटीज में आप बता नहीं सकते, ये कोई बात करता हो उसको देख कर कि ये जी ये कोई बहुत महंगे तरीन स्कूल में पढ़ा है $10,000 की फीस वाले, और या फिर ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। हमारे यहाँ हमारा जो मुआशरा है इंडिया में या पाकिस्तान में, वहां तो सर अब बात करना तो दूर, शक्ल देख के बता देते हैं कि ये कौन से स्कूल में आया है, कहाँ से आया है। क्योंकि उसकी शक्ल वैसी बना दी गई है ना, वो उसको खास खास शक्ल में पेश करना चाहते हैं जो उन्होंने कर दिया। हाँ, उसको मौलवी बना दिया, जादी बना दिया, बिल्कुल।
नहीं वो भी है, उसके अलावा जो गरीब का बच्चा है उसको सर सही खुराक नहीं मिलती, उसके उसका चेहरा मुरझा जाता है 5-10 साल की उम्र के अंदर ही, उसको उससे आपको अंदाजा हो जाता है। उससे थोड़ा सा आप ऊपर बढ़े, जो नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे मिडिल क्लास अपने बच्चों को भेजती है, तो वो फिर भी ठीक ठाक आपको दिखाई देंगे, और उससे ज्यादा बड़े स्कूल वालों के तो वो देख के पता लग जाता है सर। तो वो फर्क खत्म होना चाहिए एक मुआशरे में, और ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट को अपने बच्चों का, अपने मुल्क का, अपने कौम का आगे आने वाला जो मुस्तकबिल है उसके बारे में सोचना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, ये आज हम थोड़ा सा मौजू से डाइवर्ट हो गए, मगर ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर तो बाकायदा एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स होने चाहिए सभी। बिल्कुल ये असल में तो यही तो मसला है जिसके ऊपर हम बात करते नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही, लग इसको विल विल कंटिन्यू इट सम अदर डे। कुछ और पैनलिस्ट को भी लेकर आएंगे, इस पर बात करेंगे।